ना तेलुगु में गर्मी को क्या बोलते हैं? इल्लू। आंध्र प्रदेश में एक चीज खासियत है, पे एक और भाई मिला, आप हमारे पीछे देख रहे हो ये साइकिल। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। तो 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा में आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो कल रात को हम आए हुए थे राजस्थानी ढाबा, आए तो थे पेट्रोल पंप में, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप देख के आए थे। तो उसके पीछे था राजस्थानी ढाबा और राजस्थानी ढाबा वाले लोगों का ही एक पीछे हॉल था, उसी हॉल में हम कल रात को रुके थे। वहाँ पे देखिए दूर में जो है वो है राजस्थानी ढाबा, और ये वाला जो है ऐसा कुछ हॉल था शटर वाला, और यहाँ कई सारे बेड लगे थे जहाँ पे हम रात को रुके थे। पंखा है, सीसीटीवी कैमरा है और कई सारे बेड लगा हुआ है, तो हम साइड में एक बेड लेके इधर सो गए थे। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा नींद आया, बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पे सोने के लिए, आराम से सोते थे फिर चले जाते थे। ड्राइवर लोगों का ये रेस्ट रूम होता है, आप देख रहे हो यही है वो राजस्थानी ढाबा, और इन्हीं लोगों का वो हॉल भी है। और ये पहुँच चुके हैं हम हाईवे पे, अभी सुबह का 7:15 बज रहा है, 7:15 बजे हम यात्रा अपना जो है शुरू कर दिए। मौसम बहुत ठंडा ठंडा वाला मौसम है, मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। हाँ तो भैया चलते चलते एक स्टॉप लिए, लगभग हम 15 किलोमीटर चलाने के बाद ही एक स्टॉप लेते हैं, तो एक स्टॉप लिए बैठे हुए हैं अभी। और आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक चीज़ खासियत है कि कोई भी फिल्म स्टार, कोई भी क्रिकेटर हो तो उसका बर्थडे जो है बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट ये लोग करते हैं। सबको ही आपस में पैसा मिला के, चंदा इकट्ठा करके उन लोगों का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप यहाँ जैसा पोस्टर देख रहे हो ये है विराट कोहली का बर्थडे का, जो जो चंदा देता है वो अपना अपना भी फोटो लगाते हैं, जैसे कि यहाँ 2-4-5 लड़के का है और उधर भी 5 लड़के का फोटो लगा हुआ है, और बीच में विराट कोहली का है, क्रिकेट सम्राट विराट कोहली का। तो इन्हीं का बर्थडे 2 दिन पहले हुआ था, तो बहुत ही धूमधाम से ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी एक्टर हो, तो उनका जो है बर्थडे हो या फिर कुछ भी हो, एनिवर्सरी हो, तो बहुत ही अच्छे धूमधाम से इधर मनाया जाता है। तो भैया वहाँ से विराट कोहली का पोस्टर देखने के बाद निकले, और सामने हम देख रहे हैं बहुत लंबा चढ़ाई है, आपको भी दिख रहा होगा कितना खड़ा चढ़ाई है। तो वहाँ पे तो साइकिल पैडल मारना इम्पॉसिबल है, हमको धक्का लगा के ही जाना पड़ेगा। बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत दम लग रहा है चलाने में। बहुत ही खड़ा चढ़ाई है भैया, अब उतरना पड़ेगा, उतर के धक्का लगा के लेके जाएंगे अपनी इस रानी को। हाँ तो जी, काफ़ी टाइम चलने के बाद मुझे एक मंदिर दिखा, एक छोटा सा मंदिर दिखा, माँ का मंदिर, हाईवे के किनारे सर्विस रोड में। तो वहीं पे हम आए और बैठे अभी यहाँ पे, और यहाँ पे हम सारा सामान यहाँ देख रहे हो निकाल के रखे हुए हैं, यहीं पे अभी हम बना के अपना जो है मैगी बना के खा के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो ये है माँ का मंदिर, यहाँ पे एक बाबा है जो झाड़ू लगा रहे हैं अंदर, और ये मंदिर है, और वहाँ पे आप देख रहे हो मेरा साइकिल लगा हुआ है, सर्विस रोड है और ऊपर में हाईवे है। तो अभी यही रास्ते से हम जा रहे थे, तो अचानक से ऊपर से मुझे दिखा ये मंदिर, और मंदिर में दिखा मुझे ये कुआं, कुआं में अभी हम पानी भरे यहाँ पे 2 बोतल में, सोचे कि आगे जाके बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको छाव दिखा, अच्छा जगह दिखा, साफ सफा दिखा, तो हम यहीं पे अभी अपना बनाते हैं मैगी ना। खा सकते हैं? हाँ उधर। तो यहाँ पे हम अपना मैगी बनने दे दिए हैं, और यहाँ पे बैठ के हमको साइकिल भी देखना पड़ता है क्योंकि रोड के किनारे लगाए हुए हैं, यहाँ नीचे बैठ जाते हैं तो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे अपना दूध भी गर्म हो रहा है, अमूल दूध पाउडर है मेरे पास और हॉर्लिक्स, तो पानी कहीं भी मिल जाता है तो मिक्स करके हम दूध बना के हॉर्लिक्स बना के पी लेते हैं। यहाँ पे देखो किधर है, ये रहा मेरा अमूल दूध पाउडर और ये हॉर्लिक्स, और वो मैगी बनके मेरा तैयार है। दूध बनेगा, गिलास में डालेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, उतने देर में हम मैगी खा लेंगे। तो भैया यहाँ पे देखिए हम सारा सामान भर लिए अपना बैग में, और यहाँ से हम निकलने के लिए तैयार है, यही है मंदिर। और वहाँ पे एक आंटी है मुझे देख रही है बड़ी गौर से, तेलुगु लैंग्वेज में कुछ बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता है, हमको लग रहा है वही पूछ रही होगी कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और बाकी ये हाईवे, अभी सर्विस रोड से हम आगे जाएंगे और हाईवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम रास्ते में चल रहे थे, और यहाँ पे एक और भाई मिला, आप हमारे पीछे देख रहे हो ये साइकिल से चल रहा है,
ये है कलकत्ता से, कलकत्ता से ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा है और जो जो शहर में छोटा बड़ा मंदिर मिल रहा है वो सबका भी दर्शन करते हुए ये जा रहा है। तो अभी से पूछते हैं कि कितना दिन हो गया घर से निकले हुए। ओ, हमारा तो 2 हफ्ता हो गया घर से निकलते हुए। हम यहाँ तक 4 शक्तिपीठ एक किया, दर्शन किया, 4 शक्तिपीठ और एक जगन्नाथ जी का और एक धाम हुआ। अच्छा, तो इसका हाँ अभी जाएगा श्री कुर्मनाथ स्वामी, ये श्रीकाकुल्लम में 12 किलोमीटर लेफ्ट। आगे में एक शहर है श्रीकाकुल्लम, श्रीकाकुल्लम से 12 किलोमीटर ये लेफ्ट साइड चले जाएगा, एक मंदिर है तो वहाँ पे जाएगा और हम निकल जाएंगे सीधे। तो 12 किलोमीटर तक इसके साथ हम चलेंगे, फिर आगे देखिए कहाँ इनसे मुलाकात होती है। तो भोलेनाथ इसकी जो यात्रा है सफल करे, इनका सब मनोकामना पूरा करे। और ये देखिए आगे में है यहाँ पे टोल प्लाज़ा। तो यहाँ पे हम बैठ के रेस्ट कर रहे थे, देख रहे हो मेरा साइकिल लगा हुआ है और एक भैया आए यहाँ पे स्कूटी लेके, इनका घर इधर ही है श्रीकाकुल्लम और ये अपने मामा के घर जा रहे हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। तो ये तेलुगु में गर्मी को क्या बोलते हैं? इल्लू। इल्लू। और ठंडा को? चलना। चलना, चलना। और खाना को? तिन्नावा। तिन्नावा। तो और भी यहाँ पे भाई आए देख लो वहाँ पे। तो यहाँ पे हम तेलुगु लैंग्वेज सीखने का कोशिश कर रहे हैं। और ये इधर चलने को क्या बोलता है? ये चलने झारखंड। अब तेलुगु जानते हो? ये चल हम इधर जा रहे हैं उसको क्या बोलता है? कोई नहीं नहीं कोई हमसे पूछ रहा है कहाँ किधर जा रहे हो तो उसको तेलुगु में क्या बोले? अरे बढ़िया से बोलो भाई। अच्छा मध्य प्रदेश को है, क्या क्या बोलते हैं फिर भी बता? क्या बोलते हैं? एगड़ा, एगड़ा कर्णो। कहाँ जा रहे हो? हम तो ज्योतिर्लिंग दर्शन मध्य प्रदेश। भी मध्य प्रदेश से किधर हो? जबलपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इधर क्या करते हो जॉब? पढ़ रहे हैं। अच्छा पढ़ाई कर रहे हो? घर भी इधर है क्या? घर भी इधर भी वहाँ पे, वहाँ भी घर है। अच्छा हाँ। 1-2 तेलुगु में? 1-2 तेलुगु पूरा 10 तक। 1-2-3-4-5 जोड़ सको? 6-7-8-9-10 रमटी रेडू। वन टू भी सीखने का कोशिश किए। तो ऐसे ही सीखते सीखते आंध्र प्रदेश में कुछ तो लैंग्वेज तेलुगु वाला सीख ही जाएंगे। तो अभी थोड़ा देर इन लोग से बात करते बैठ के, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। आप लोगों को दूर में हनुमान जी का मूर्ति दिख रहा होगा ब्रिज के उस पार, आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हनुमान जी का मंदिर है और इधर कई शहरों में जो है हनुमान जी का बड़ा बड़ा मूर्ति देखने को मिलेगा, हर एक गांव में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी को इधर बहुत ही पूजा जाता है। वैसे तो विश्व में हर जगह हनुमान जी का पूजा किया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्ति आप लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। हाँ तो भाई साहब चलते चलते लग गया हमको भूख बहुत जोर का, उस लड़के को बोले कि आओ साथ में खाना खा लो, लेकिन वो चले गया श्रीकाकुल्लम से, वो कौन मंदिर जाना था उसको, वो साइड चले गया श्रीकाकुल्लम शहर के अंदर। और हम श्रीकाकुल्लम बाईपास में ही खाना खा रहे हैं और अभी हम ऑर्डर किए यहाँ पे, देखिए वेज फ्राइड राइस देख रहे हो आप, एक प्लेट इसका मुझे 130 रुपये पड़ा। यहाँ देखो ये हाईवे और अपना साइकिल लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ ढाबा होता है इधर का। तो जी वहाँ से वेज फ्राइड राइस खा के निकले, मज़ा आ गया खाने के बाद। और अभी हो रहा है शाम, 4:30 बज रहा है, एक अच्छा वाला जगह हमको ढूंढना है रुकने का। आप लोगों को जैसा बताए थे कि 16 किलोमीटर दूरी पे एक झारखंडी ढाबा है, तो हो सकता है आज झारखंडी ढाबा में रुके, लेकिन हम ढाबा में नहीं रुकना चाहते हैं। ढाबा में होता है रुकने से कि बहुत रात तक जगना पड़ता है, 12-1 बजे रात तक, और तरह तरह के लोग आते हैं वहाँ पे। तो हम पेट्रोल पम्प अच्छा वाला ढूंढ के वहाँ पे कैंपिंग करना पसंद करेंगे। तो अच्छा वाला पेट्रोल पम्प ढूंढते हैं और कैंपिंग करते हैं। और सामने देखिए भेड़ों का झुंड जा रहा है, कम से कम 150 से 200 भेड़ होगा इसमें, और उसका कमांडर जो है ये अकेले अंकल है। तो जी भैया फाइनली मुझे एक जगह मिल गया, एक ढाबा मिल गया जिसमें लिखा हुआ है बलिया ढाबा, ऋषि बलिया ढाबा। आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कोई संत का, कोई साधु जी का ढाबा है। तो यहीं पे हमको रोड के उस पार में हम चल रहे थे, तो दिख गया मुझे रोड के इस पार में अपोजिट साइड में ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या,
फ्रेश हो जाएंगे, नहा लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ करेंगे। अभी तक हम बात नहीं किए हैं कि रात को हमको यहाँ पे रुकना है कि क्या करना है, कुछ बात नहीं किए। वहाँ पे हम टब देखे, वहाँ साइकिल लगाए और टब देखे, तो हम जाके टब में पहले नहा लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे बात वगैरह। वैसे तो रुकने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन पहले हम कर लेते हैं स्नान, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो नहाने में दिक्कत होगी, ठंड लगेगी, तो पहले सबसे पहले कर लेते हैं स्नान। हाँ तो भैया नहा धो के हम हो गए फ्रेश, शाम को ही हो गए थे, अभी रात का 9 बज रहा है और हमको जो है रुकने का भी जगह मिल गया। हम ढाबा में नहीं रुकना पसंद किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर लोग रात भर आते रहेंगे, इसलिए ढाबा के बाहर में एक टपरी था, ये आप देख रहे हो एक टपरी था, टपरी अभी बंद हुआ, ये अंकल जी का था, ये तो बंद कर दिया, तो वहीं पर हम टेंट लगा लिए अपना, और देख रहे हो आप कहाँ रुक रहे हैं हम। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।